माफ कीजिएगा वजीर आला, अब आपको आगे का सफर पैदल ही पूरा करना होगा। आइए। कि तुम, अम्मी ने कहा था कि मिस्र एक बहुत हैरान कर देने वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ का नजारा इस कदर नायाब होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खुशामदीद हुजूर वाला, हम मिस्र पहुंच गए। हम मिस्र पहुंच गए, माशाल्लाह। चुड़ी, ये सब कितना खूबसूरत है। हमने मिस्र के बारे में जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही निकला। चमन, ये मिस्र का नहीं बल्कि हमारी तकदीर का दरवाजा है। हुजूर, आपको इस कायनात पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। चलने के लिए बेताब चिरागो, यहां तक पहुंचना आप सबकी जीत है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मंजिल तक पहुंचना बाकी है, हमारा इंतजार उस दरवाजे के उस पार कर रही है। आप सभी का जज्बा और मुल्क के लिए मोहब्बत देखकर आपसे वादा करते हैं, हम जाया नहीं जाने देंगे। एक तरफ बगदाद के वफादार है जो बगदाद की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, और एक तरफ है मुच्छड़ जो बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। यहाँ मिस्र में जो कुछ भी होगा दुनिया याद करेगी आप लोगों को। बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। बढ़ो आगे। पाना नामुमकिन है। अरे पिट्टे की तुम, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ।
ये कोई आम दरवाजा नहीं कि जो चाहे चलाए। ये मिश्र का बेमिसाल दरवाजा है। इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान? एक पहेली और उसका जवाब देने का एक मौका। काबिल हो तो मिश्र के अंदर आओगे, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। पहेली सुलझाओगे या अपनी जान से हाथ धो बैठो? अरे अरे, अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? जान है तो जान है, चलो लौट चलते हैं। चलो चलो रुको। हम वजीर जफर, हमारे पास हर एक पहेली का जवाब है। पूछो। क्या पूछना चाहते हो? हम जवाब देंगे। हिम्मत तो देख ली, अब काबिलियत भी देख लेते हैं। ये बताओ, वो कौन है जो चार पैरों पे चलता है? दो पैरों पे दौड़ता है, तीन पैरों से भी सफर करता है। सही होगा जवाब तो जाओगे अंदर आज, गलत जवाब पे बनोगे राख। एक ही मौका मिलेगा, उसके बाद मिलेगी मौत। मैं पहेली का जवाब देना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ये कैसी पहेली है? हमें इस पहेली का जवाब मालूम है। अरे अल्लाह रहम करे, अगर जवाब गलत हुआ तो हम सब राख में मिल जाएंगे। अच्छी, तुम्हें लगता है कि वजीरे आला को जवाब पता है? ए बोलने वाले बुच्छ, जवाब ये है। कि ऐसा कोई बशर नहीं जो चार, तीन और दो पैरों पर सफर करता है। दरवाजा खोलो और हमें आगे जाने दो। हमें गलत जवाब मिला। अब तुम मिट्टी में मिल जाओगे। Thank you.
भोले और भाले की मुलाकात होगी तो भला भोले के दिल में उतर जाएगा। क्या भोला भाला लगा रखा तुमने? अरे भोला भाला नहीं, वो भाला और मैं भोला। दिन भर अम्मी अम्मी करता रहता है लेकिन अम्मी की एक बात नहीं सुनता ये लड़का। इतनी बार कहा ऐसे कमरे को साफ रखा कर लेकिन देखो ऐसा लग रहा है इस कमरे में इंसान नहीं बल्कि 10-10 लंगूर रहते हैं। लंगूर से याद आया, वो 2 दिन से जीनू कमरे के बाहर पहरा दे रहा था और आज जब उसकी जरूरत है तो पता नहीं कहाँ चला गया। काम सारा बस अम्मी ही कर, कोई चीज अपनी जगह। ये तस्वीर अलादीन कैसे पागल हो गया था इस तस्वीर को बनाने के लिए। उससे तस्वीर बनी नहीं रही थी, बिल्कुल मायूस हो गया था। देखिए ना अम्मी, मुझसे हमारी अच्छी तस्वीर क्यों नहीं बन रही? मैं तो हम दोनों की अच्छी तस्वीर बनाना चाहता था पर नहीं बन रही है। मेरा अलादीन कभी हार नहीं सकता। हार मान लेने के बाद भी एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तब हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए उस आखिरी कोशिश में बहुत ताकत होती है। तब अलादीन ने यह तस्वीर बनाई जो मैंने सिखाया, हमेशा याद रखना। ए पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तू मजाक करने आया है या मरने? ना मजाक ना मरने, मौका चाहिए पहेली का जवाब देने का मौका। एक बार फिर से पहेली पूछे ना, एक बार। ये आखिरी मौका है। ये बताओ कि वो कौन है जो 4 पैरों पे चलता है, 2 पैरों पे दौड़ता है, 3 पैरों से भी सफर करता है?
जो चार पैरों पे चलता है, दो पैरों पे दौड़ता है, तीन पैरों से भी सफर करता है। बेटी तुम पहेली का जवाब है इंसान। अब बचपन में चार पैरों पे चलता है, जवानी में दो पैरों पे, और जब बूढ़ा हो जाता है तो छड़ी के साथ यानी तीन पैरों पे। वो देखिए, अब बचपन में चार पैरों पे चलता है, जवानी में दो पैरों पे, और जब बूढ़ा हो जाता है तो छड़ी के साथ यानी तीन पैरों पे। वो देखिए, मिश्र में तुम सबका इस्तकबाल है। मिश्र का दरवाजा कल सुबह की पहली रोशनी पर खुलेगा, जहां इम्तिहान और भी है। जोश में होश मत खो देना। लड़के में दिमाग तो जरूर है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। अपनी अकलमंदी और बहादुरी से तुमने इस मुहिम को बचा लिया। शुक्रिया वजीर आला। वाकई नौजवान, दिल जीत लिया तुमने हमारा। शुक्रिया। क्या नाम बताया था? अलादी। नाम तो सुना होगा। नहीं, नहीं सुना, लेकिन मिस्र के पहरेदार ने जो कहा वो तुमने जरूर सुना होगा। आगे मुश्किलात और आएंगी, बस जोश में होश मत खो देना। तुम्हें अभी बगदाद के बहुत काम आना है।